सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टड मोटो व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो में मैं वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ, शोरूम वॉक अराउंड रिव्यू क्लासिक 350 का, अपनी 2024 वाला मॉडल। तो भाई आपने मेरी एक छोटी सी रिव्यू वीडियो इसकी देख ही ली होगी वॉइस ओवर करके, बट वो भाई मैंने वॉइस ओवर करके बनाई थी। मेरे को शोरूम वॉक अराउंड रिव्यू आपको दिखाना था, आपको आमने सामने से दिखानी थी, और मेरे को भी थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें समझनी थी कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं इसमें। बाकी मैंने आपको उसमें कलर ऑप्शंस के बारे में और जो दो तीन अपडेट दिए वो तो बता ही दिए थे। इसमें मैं आपको पावर स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा इसके कि क्या क्या पावर स्पेसिफिकेशन है। और यहाँ देख सकते हो भाई अपने पास कौन सा कलर खड़ा। भाई ये तो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। ये वीडियो में मेरे ख्याल से इतना जस्टिस नहीं दे रहा होगा भाई जितना रियलिटी में लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है और यहाँ पर कई तरीके के कलर खड़े हैं इसके भाई। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा सकते हो, बट भाई इस बार जो रॉयल इनफील्ड है ना, कलर ऑप्शन इसमें भरमार दे दिया भाई। कितने कलर ऑप्शन ले लो भाई, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लो, या तुम ये जो रॉयल इनफील्ड पे खड़ा है ये भी ले सकते हो भाई। और मेरे ख्याल से तो भाई ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्राउनिश आप कह सकते हो, डार्क ब्राउन इसे कह सकते हो। साइड में थोड़ा वाइट से कॉम्बिनेशन है टैंक पे इसमें। तो ये कलर आपको ओवरव्यू मैं दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है पूरे चारों तरफ से, और इसके बाद इसकी पावर स्पेसिफिकेशन थोड़ी मैं बताता हूँ। तो भाई अगर इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 349 सीसी का इंजन देखने को मिलता है इसमें। 20.2 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि 6100 rpm पे, और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि 4000 rpm पे प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 35 के अराउंड माइलेज आपको ये दे देती है, और 40 भी दे सकती है भाई, अब वो आपके चलाने पर डिपेंड करता है भाई। बाकी 35 आप लेके चलो, 35 आपको ये ईजिली दे देगी। और साथ में अगर इसकी राइडिंग रेंज की बात करें तो फुल टैंक के बाद ये 455 किलोमीटर जा सकती है, ये एक फुल टैंक के बाद। और अगर इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो एक सिलेंडर इंजन आता है, और एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है इसमें। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिल रहा है। और बाकी वैसे मैं ये नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देख रखी है उन्हें तो पता ही होगा कि 2023 वाले मॉडल में भी मैंने रिव्यू करा था, उसमें सेम स्पेसिफिकेशन थी, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। और चीज़ें की बात करें तो भाई इसमें फ्रंट सस्पेंशन पे आ जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और रेयर में आपको ट्विन टर्बो इमल्शन शॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और इसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, और रेयर में भी आपको मिल जाता है वेरियंट डिस्क ब्रेक वाला। तो वो ये देखो भाई, यहाँ लगी हुई है डिस्क ब्रेक, और फ्रंट में भी लगी हुई है। और रियर ब्रेक साइज़ जो है आपको वो 270 mm का ब्रेक साइज़ देखने को मिलता है, और फ्रंट ब्रेक साइज़ है वो 300 mm का। साथ ही साथ रियर व्हील साइज़ की बात करें तो व्हील साइज़ आपको 18 इंच का देखने को मिलता है रियर में, और फ्रंट में आपको 19 इंच का फ्रंट व्हील साइज़ देखने को मिलता है भाई। और एक नया अपडेट जो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अब फिर से बता देता हूँ भाई, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी उसके लिए, इसमें LED हेडलैम्प भी दे दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है भाई। और इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई, तो एक बार स्टार्ट भी कर देता हूँ भाई। ये देखो भाई इसका LED हेडलैम्प सेटअप, और क्या ही अच्छा लग रहा है भाई LED इंडिकेटर्स के साथ। तो ये चीज़ मेरे को कमी लगती थी अपने 2023 वाला मॉडल में, जो कि मैं ऑन करता हूँ पर्सनली, तो ये आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता था, अब कंपनी वालों ने ऐसे ही दे दिया है इनको। और आवाज़ भी सुना देता हूँ क्या फ़र्क है। तो भाई अगर आवाज़ की बात करें तो यार आवाज़ में सच कुछ मेरे को डिफरेंस नहीं दिखा, जो मेरी वाली है उसकी बिल्कुल सेम आवाज़ है। लुक्स में भी मेरे को इसका कुछ मतलब फ़र्क नहीं लगा, ना इसके स्विचेस वैसे ही है पुराने वाले, बिल्कुल सेम, सीट भी वही है, बिल्कुल लुक सेम है, बस कलर में ही फ़र्क लगा है। और पावर स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सेम है। और अब इसके थोड़े कर्व वेट और डायमेंशन और चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो कर्व वेट की बात करें तो भाई 195 kg का कर्व वेट है इसमें, और सीट हाइट 805 mm की। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जो मेरे को सबसे डिसएडवांटेज लगती है इस बाइक की, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मेरे को काफ़ी कम लगती है। ये मैंने अपने डिसएडवांटेज वाली वीडियोस में भी बात करी थी कि ये भाई दो बंदे बैठ जाए तो ये ब्रेकर्स पे लग जाती है नीचे से, तो उसके लिए हमें इंजन प्रोटेक्टर लगाना इसका बहुत ज़रूरी है भाई।
तो ये चीज़ मेरे को एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज लगती है इसकी। बाकी अगर मैं इसकी सर्विसेज की बात करूँ तो 500 किलोमीटर में पहली सर्विस हो जाएगी इसकी भाई, और 5000 किलोमीटर में दूसरी, 10000 किलोमीटर में तीसरी सर्विस, और पहली तीन सर्विस या चार सर्विस इसकी फ्री रहती है। वो आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, बाकी जो मेरे रेगुलर ऑडियंस है जो देखती है उनको पता ही है ये चीज़ें, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो भाई ये चीज़ें थी, इसमें कुछ नया नहीं था, वही स्पेसिफिकेशन है इसमें। बाकी LED हेडलैम्प का सेटअप आया, जो इसके कलर ऑप्शन आए ना वो काफ़ी अच्छे आए हैं, और वो आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दे दी। और बाकी इसमें नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाता है, आप यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम भी करवा सकते हो। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो भी वैसा ही है, डिजिटल, और अपना मतलब वही डिजिटल पुराने वाला, और इसमें वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर अपना बटन दे रखा है, ये वाला बटन से आप चेंज कर सकते हो। ये देखो भाई टाइम चेंज हो गया, और यहाँ पर किलोमीटर दिखा रहा है कितने किलोमीटर चली है, और ओडोमीटर, इसमें ट्रिप मीटर, सब चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ से आप अपना फ्यूल चेक कर सकते हो कि कितना फ्यूल हो रखा है एक्चुअली इसमें। तो यही था आज की वीडियो के लिए भाई, कैसी लगी ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में, ऐसी और रिव्यू वीडियोस आने वाली है भाई बढ़िया बढ़िया, तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को। मिलते हैं आपको अगले ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।